नमस्कार, NFCI फिट एंड फिट में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू। मैं शेफ राम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा काढ़ा। इसका नाम है अदरक और हल्दी का काढ़ा। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घरों में होते ही हैं। वाटर चाहिए हमें 2 कप, एक स्मॉल जिंजर का पीस चाहिए हमें, एक स्मॉल पीस हल्दी का पीस चाहिए। जो हल्दी हमारी देख सकते हैं, ये हमारी जो ताजी वाली हल्दी है, फ्रेश वाली, वो है हमारी, पाउडर यूज़ नहीं कर रहे इसमें। और इसमें 2 पिंच हम डालेंगे सिनेमन पाउडर। तो इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद 5 से 6 मिनट आप बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको हम छान लेंगे तो ये हमारा काढ़ा रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पानी को बॉईल करते हैं। जैसे ही हम चाय बनाते हैं, नॉर्मल टी बनाते हैं, जैसे जिंजर टी हो गई, तो इसी तरह से हमारा काढ़ा है। पहले हम पानी को अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, जो अदरक है और हमारा जो हल्दी है, फ्रेश है, इसको हमने ग्रेट करना है। तो स्पून के साथ में हमने इसको छिलका हमने उतार लेना है। तो जिंजर को हमने पहले ही वॉश करके अच्छे से रख लिया है, क्योंकि इसको हमने ये नहीं करना कि पेस्ट यूज़ कर लें या फिर इसको हमने किसी और फॉर्म में यूज़ कर लें, इसको पीसेस में नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो जूसेस वगैरह होंगे वो इसको प्रॉपर ग्रेडिंग में ही निकलेंगे। तो देख सकते हैं इसको मैंने कर लिया है और इसको मैं अभी छोटे पीसेस में कट कर रहा हूँ। ऐसे ही हल्दी है, इसको भी मैं स्क्रैप कर लूँगा, पहले इसका छिलका उतार लूँगा। आप स्पून के साथ में उतारेंगे छिलका तो इसका जो इवनली निकलेगा छिलका, जो बेस्टेस नहीं होगी हमारी। तो स्मॉल जिंजर का पीस हम लेंगे इसके अंदर और इसको हम शेफ, क्या ये हल्दी हम अपनी नॉर्मल डेली बेसिस की, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो क्या हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली? बिल्कुल, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम सब्जी में डालने के लिए पीसी हुई हल्दी यूज़ करते हैं, तो सूखी हुई हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमें, ये हमने रेडी कर लिया है इस तरह से ग्रेट करके। फिर हम सेम मेथड से हल्दी को कर लेंगे। अदरक के क्या क्या फायदे रहेंगे सर इस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक में? जो अदरक है हमारा, सेम हमारा ये हमारे एक जो कफ हमारा नॉर्मल हो जाता है गले के अंदर, उसको साफ करता है और इसकी तस्वीर जो होती है गर्म होती है। तो ये देख सकते हैं, तो ये वैसे भी आप कच्चा भी खा लोगे तो रॉ भी खाया जाता है। थोड़ा सा बॉयल हो गया पानी, इसमें हमने डाल दिया जिंजर और जो हमारी हल्दी है ताजी वाली। तो दोनों को स्मॉल स्मॉल पीसेस का मतलब हो गया कि अगर 2 कप बना रहे हैं तो 10 या 15 ग्राम इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जी। तो ये जो है काढ़ा, इसको हम बोलते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी हमें कुछ छोटी मोटी बीमारी होती थी डेली बेसिस पे, कफ हो गया या हमारे कुछ को हो गया, तो वो मेडिसिन के बजाय इन्हीं काढ़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आजकल भी जैसे हमारे ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी बताते हैं कि ऐसी ही चीज़ें हमें लेनी चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये आयुर्वेदा के अंदर हमारी ये चीज़ें हैं, हमें बताया गया है कि इन चीज़ों से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो शेफ, क्या हम इसके अलावा इसमें, जैसे काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, तो वो क्या हम वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास पुदीना है, मिंट पड़ा हुआ है जी जी। अगर थोड़ा सा आपने इसके अंदर फ्लेवर को करना है, जैसे हम करना है, तो हम एक प्लेन कर लेंगे, पुदीना डाल सकते हैं, इसमें आप तुलसी डाल सकते हैं जी जी। इस तरह से ये जो काढ़ा है, ये बेसिकली हमारा है हल्दी और जिंजर,
अदरक और हल्दी का काढ़ा है हमारा। तो ये जो काढ़ा है 4 से 5 मिनट तक ही आपने इसको बॉईल करना है, जैसे हम चाय बनाते हैं, बेसिकली वही चीज़ है हमारी ये। तो शेफ, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे ऐसी चीज़ें कुछ कम ही पसंद करते हैं, तो क्या हम इसमें बनने के बाद शहद भी इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों के लिए अगर बच्चे को देना है, वो इसका जो टेस्ट है इसमें मीठा नहीं डाला हमने, वो फीका टेस्ट होगा। बोलते हैं कि कड़वा है, हमें नहीं पीना, हमें नहीं अच्छा लगता। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब हनी ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए, इसके अलावा हमने कुछ नहीं ऐड करना। तो ये काढ़ा हमारा बनके तैयार है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारा काढ़ा तैयार है। थैंक यू सो मच शेफ राम। ये था हमारा NFSA हिट एंड फिट का अदरक और हल्दी का काढ़ा। इसको घर में बनाएं, खुद पिएं और दूसरों को पिलाएं। थैंक यू वेरी मच। हिट एंड फिट के अगले एपिसोड के लिए हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।